I'm very, very happy to be part of Moonlight Films, and I want to thank Dev Ashish for organizing such a wonderful festival. और ये बहुत ही प्यारी फिल्म है जो हमने बनाई है, लव हिस्ट्री, और इसके लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला है. इसका टाइटल है अब मुझे उड़ना है. इस ये फिल्म एटलीस्ट एट आई थिंक पूरे कंट्री में और अब्रॉड में भी बहुत अवार्ड जीत चुकी है. एंड इस फिल्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि क्या करते हैं आप कि वेन समथिंग टेरेबल हैपन्स टू इन लाइफ, आप उससे गिरने के बाद किस तरीके से वापस उठते हैं, हाउ डू यू फेस द वर्ल्ड. आई थिंक इस फिल्म का वो मैसेज है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. छोटे भाई की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, एंड आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, एंड ही वर्क वेरी हार्ड फॉर माई फिल्म. एंड इन्होंने टोटली 5 अवार्ड एज एन एक्टर जीत लिया है, अब मुझे उड़ना है. एंड मिमो, उसमें आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और कैसे दिखाएंगे उसे, तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप विस्लिंग बुर्ज के स्टूडेंट हैं या किसी भी, तो आपका बजट लिमिटेड होता है, तो उसमें आपको सब चीज़ें देखते हुए, तो आपको क्राफ्ट गुड फेस्टिवल्स इन इंडिया एट लीस्ट, एंड वी आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लव. द वीमेन स्पेशली दे आर लाइकिंग आवर मूवी अ लॉट बिकॉज इट्स अबाउट दिस मदर्स जर्नी हु इज ट्राइंग टू सेव हर. He's blessing us all, actually, he wants to say, he's blessing us all, and he felt this is an amazing film festival. So, we are giving everyone aashirwad and we want to grow up and grow up. Best wishes are giving, and we are very proud that sir came to our... Anup Jalata ji, Jaspinder Narula ji, for you know motivating us with the awards and the nominations. The Moonlight last year bhi maine attend ki thi, meri pehli film Crossroads ke liye. And this year also, this is Anand with me. He is done the role as Sadhu in our film. So A Briefcase is basically a thriller short film. Hai. TJF Motion Pictures and the organizers and the jury members. Thank you so much. Karna aur ye sab karna, it's a very hard, tough job. And I think you all understand that कि कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए एक कॉन्सेप्ट को आगे तक लेकर जाना. तो he has done it and he has done a remarkable and I'm really proud of him. और मैं यही फील करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें तरक्की दे और आगे जो है मतलब इस तरह के काम आप करते रहो. इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ आ गया था सो लेकिन साथ में जसविंदर जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, इतने बड़े बड़े जूरीज हैं. Story of a man who captured by his own bad habits. एक 9 मिनट की फिल्म नयापन क्या है, तो हमने क्योंकि उसमें नयापन सबसे बड़ा ये है कि आपका एक ट्विस्ट आता है ना, आप फिल्म देखते हैं आपको लग रहा है कि एक्टेड लाइक हाउ यू एक्ट इन अ बिग फिल्म, एंड वी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव टैलेंटेड एक्टर लाइक भरत हु इज वन द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड. आपको जो लगेगा कि जो टिपिकल एंड होने वाला कर पाएंगे चीज़ों को कि डायरेक्टर असल में बताना क्या चाहता था, लेकिन उसका बताने का तरीका कन्वेंशनल नहीं है, बहुत ही अलग है. ये बोला गया था ये ब्लॉक कर दिया है क्योंकि एक आस्टेशन पे है और ऐसा चीज़ें दिखाई गई काफ़ी. फिर उन्होंने हमने एक रिप्लाई किया था, हमने एक बताया उनको. एक फिल्म और बनी उनकी कहानी पर जो कमर्शियल इस पर बनी, एक ये फिल्म भी है हमारी, वो छोटी फिल्म है, बहुत एस्टेब्लिश लोग भी नहीं, सिनेमा मेकर नया है. बहुत ही परफेक्ट मीडियम है बिकॉज शॉर्ट फिल्में आजकल इतनी अच्छी बन रही हैं और अगर उसको इस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, सो आई थिंक फॉर द डायरेक्टर्स, फॉर द एक्टर्स, फॉर द एंटायर क्रू, फॉर एवरीबडी, इट्स अ बिग डील कि इतनी अवेयरनेस फैलती है ड्यू टू दी थ्रू दीज मीडियम्स, यू नो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दिस फिल्म फेस्टिवल इज प्रमोटिंग सच ब्यूटिफुल कॉन्टेंट और वो लोगों तक पहुँच रहा है. दैट्स ऑल अ फिल्म मेकर एंड ऑल द एक्टर्स, वही तो वो चाहते हैं कि उनका काम लोगों तक पहुँचे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन के जितने भी हमारे फेमस और बड़े एक्टर्स हैं वो भी शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स आर फिल्म्स इन द एंड, यू नो, और उनका जो मैसेज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे जो हमारी जो फिल्म है अब मुझे उड़ना है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड उस मैसेज को लोगों ने रिकग्नाइज किया है, रियलाइज़ किया है, समझा है,
एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी कि हम ऐसे फिल्म्स बनाएं और ऐसी फिल्म्स शोकेस हो ताकि आप उसको देख सकें. अवार्ड हमेशा अच्छा ही लगता है. सो यस आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव इट. थैंक यू. फिल्म को जिस तरह फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमारे फिल्म कसाई नाम है फिल्म का और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान के लेखक हैं पथिक जी उनकी कहानी है और रियल ट्रेमेंडस ग्रोथ सिंस लास्ट मॉर्निंग. आई होप लोग और भी आगे जाएं. चला दमादम मस्त कलंदर अली दम 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 जो मेरे दोस्त है राइटर है एक होता पानी के जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म में काम करने के लिए और उसने बहुत अच्छा संदेश दिया है. पानी अड़वा पानी जिरवा पानी अमूल्य है आणि त्याच्यासाठी ही फिल्म सगळ्यांनी बघितली पाहिजे आणि ही फिल्म सोशल इशू आहे. ये बोलने के लिए कि इतना बड़ा जो ये सपोर्ट मिल रहा है मीडिया का सपोर्ट जसवीन जी का सपोर्ट और अनुज जलोटा जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये साल और जूरी में है काफ़ी लोग ने हमें सपोर्ट किया है. सो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. डेफिनेटली करना चाहूँगी जो मेरे लिए होगा जिसमें जहाँ मैं अच्छी लगूँ वो डेफिनेटली करना चाहूँगी. क्या किया मैंने इज दिस द प्रिपेरेशन फॉर द प्रोजेक्ट. ओके सो द थिंग लाइक दिस ये मेरा हमेशा से लुक रहा है. मैं हमेशा से ऐसी ही यही साइज में हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बिग बॉस में जाने के बाद वहाँ पे टाइमिंग्स थोड़े से उल्टे पुल्टे हो जाते हैं और मेरी स्टोरी लाइन का अनलिमिटेड स्कोप है. आप कुछ भी बना सकते हैं. बहुत लोगों ने कह दिया टाटा का शॉर्ट फिल्म रेगुलर देखने वाला हूँ. मैं शॉर्ट फिल्म देखता रहता हूँ. बहुत सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें. इतनी कहानियाँ हैं हमारे पास कि शॉर्ट फिल्म किसी भी वेब सीरीज और फीचर फिल्म से ज़्यादा बन सकती है और इतने टैलेंट हैं जिनको अपना काम दिखाने का मौका मिले. Out of 63 awards, 29 awards have been won in India. And the film is available online. It's available on Amazon. And we're very happy to be here. And thank you so much for being here in India. कल्पना है वो सिर्फ उनके दिमाग में ही है, ज़हन में ही है. उनको मालूम ही नहीं है कि जो वो व्यक्ति है सामने वाला वो कैसे पहुँच, उसकी प्रोसेस क्या है. जो प्रोसेस ही नहीं है मालूम तो उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे होंगे. इसके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई है. डायरेक्टर ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है जो देवाशीष जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज जितनी अच्छी मूवीज़ यू नो जो नहीं जिनकी मूवीज़ शोकेस अच्छे से हो पाती हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी फिल्म्स यहाँ पर यू नो लोगों तक पहुँचाएँ. उनकी स्टोरीज़ जो डायरेक्टर्स हैं हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बहुत अच्छा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड या सो मेकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो मैं आई हूँ यहाँ पर और डेफिनेटली आई विल हैव अ ग्रेट टाइम सबके साथ मिलूंगी. वेब सीरीज में नहीं आप मुझे नहीं आप मुझे एक हिंदी मूवी में देखेंगे अभी जो 2020 में रिलीज होगी. वी आर वर्किंग ऑन इट और नेक्स्ट मंथ हमारी वन स्केड्यूल में हम पूरी शूट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरी भी डेट्स अवेलेबल नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ. अभी 25 दिसंबर भी आ रहा है, क्रिसमस के शोज़ हैं, न्यू ईयर का शो होगा एंड बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है. अनूप जी का भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा है तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि डेट्स हमारी यू नो आपस में मिल जाए और फिर वो शूट हम ख़त्म कर जाता है. तो या ये कहानी होगी बेस मतलब स्टोरी लाइन ये है और कैसे अब वो स्क्रीन प्ले कैसा है. मेरे पापा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. उन्हीं ने लिखी है स्क्रीन प्ले. तो अब स्क्रीन प्ले क्या है वो आपको देखने मिलेगा थिएटर्स में 2020 में. राखी सावंत का नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे ये इस तरह ऐसे कोई ऐसी मूवी नहीं है कि मतलब सारी बिग बॉस हो रहा है उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं. हम राखी
सावंत ने कुछ कहा, ऐसी नहीं है, ये एक प्रॉपर हिंदी मूवी है जिसमें एक कहानी बनाई गई है, तो ये किरदार नहीं होंगे उसमें और राखी जी नहीं होंगी इस मूवी